नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी ऑयली स्किन है और आप मल्टीपल फेस वॉशेस ट्राई कर चुके हैं, बट उसके बावजूद भी फेस पर ऑयल आता ही रहता है और स्किन खराब होती जा रही है, पिंपल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपका फेस वॉश का सिलेक्शन सही नहीं है, फेस वॉश का तरीका सही नहीं है। क्या आप जानते हैं फेस वॉशेस आपके लिए कितने डेंजरस भी हो सकते हैं? इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या है सही तरीका फेस वॉश इस्तेमाल करने का, कौन से फेस वॉश आपको यूज करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी टिप्स भी देने वाला हूँ जो फेस वॉश करने के बाद करना जरूरी है, जिसकी वजह से आपकी स्किन सेफ सुरक्षित रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर नितिन वर्मा, मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि टीनेजर्स, यंगस्टर्स ये गलतियां करते हैं कि फेस पर ऑयल आता है वो वॉश करके उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं, फिर ऑयल आता है वो फिर वॉश करते हैं और उसे रिमूव करते हैं, बार बार ऑयल आता है वो बार बार फेस वॉश करके ऑयल फ्री रहना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपका फेस ऑयल कभी कम नहीं होगा। इनर स्किन प्रिपेयर कर लेती है अपने आप को कि बाहर कॉन्स्टेंट ड्राइनेस हो रही है, लेट्स प्रिपेयर मोर ऑयल। सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट आपका ऑयल सिक्रेशन और बढ़ गया, जिसकी वजह से व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स और बढ़ गए। तो ध्यान रहे, मल्टीपल टाइम वॉश कभी नहीं करना है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग वॉश करें। दूसरी गलती जो टीनेजर्स करते हैं, वो हार्श फेस वॉशेज यूज करते हैं, जिसमें या तो सैलिसिलिक एसिड की परसेंटेज 3-4% होती है या उसमें अल्कोहल होता है। जब भी आप फेस वॉशेस खरीदें, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि आप इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर देखें। अगर उसमें अल्कोहल है, सल्फेट्स हैं या फिर फॉर्मेल्डिहाइड्स हैं, डाइज हैं, पैराबेंस हैं, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको 1-2% सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश इवनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड वाले फेस वॉश अच्छे हैं, और डे टाइम में ट्राई कीजिए टू यूज अ जेंटल फेस वॉश। जब आप इस तरह के हार्श फेस वॉशेस यूज करेंगे तो आपका जो नेचुरल ऑयल है स्किन का, दैट विल स्ट्रिप अवे, और जब नेचुरल ऑयल स्किन का हट जाएगा तो स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। आपका जो रिवर्स ऑयल सिक्रीशन है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में आपको डर्मेटाइटिस, एक्जीमा, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन ये सब बढ़ जाएगा, तो आप और मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि सही सिलेक्शन ना हो या फिर आप मल्टीपल टाइम उस फेस वॉश को यूज़ करें तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है सही तरीका फेस वॉश करने का। फेस वॉश करने के लिए आप ल्यूक वार्म वाटर या फिर टैप वाटर इस्तेमाल करें। अगर आप कोल्ड वाटर या चिल्ड वाटर इस्तेमाल करेंगे तो आपका डर्ट नहीं निकलेगा। बहुत हॉट वाटर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो नेचुरल ऑयल है फिर वो दोबारा से स्ट्रिप अवे हो जाएगा और फिर ड्राइनेस हो जाएगी। नंबर टू, आप ध्यान रखें सिर्फ 2 बार फेस वॉश करें, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में एक जेंटल फेस वॉश इस्तेमाल करें, इवनिंग में एक अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वाला या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड वाला फेस वॉश इस्तेमाल करें। पर ध्यान रखें सैलिसिलिक एसिड की मात्रा 1-2% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब आप फेस वॉश कर लेते हैं, जब उसके बाद फेस पर वाटर डालते हैं, उस फेस को रिंस करते हैं, तो प्रॉपरली रिंस करें, थोड़ा समय दीजिए। अगर कुछ सर्फेक्टेंट्स फेस वॉश के रह जाते हैं तो आपकी स्किन और इरिटेट और इन्फ्लेमेबल हो सकती है, तो इसीलिए अच्छे से पानी डालें। टॉवल से जोर से रब ना करें, इजीली लाइटली वाइप करें या फिर स्किन को टैप ड्राई करें। और अब हम बात करते हैं उस टिप की जो फेस वॉश के बाद आपको ज़रूर करनी चाहिए। फेस वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें फेस को। एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर डेफिनेटली इस्तेमाल करें, बिकॉज मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। लाइट वेट मॉइस्चराइज़र आप रेगुलर लगाइए, कुछ टाइम लगाइए, आपकी जो इनर स्किन है वो सेंस कर लेगी कि ऑलरेडी बाहर अच्छा मॉइस्चराइज़र है, हमें अब ऑयल सिक्रेशन कम कर देना चाहिए, तो ऑयल सिक्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब आप सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रहे कि मॉर्निंग में सनलाइट आपको डैमेज कर सकती है, तो इसीलिए सनस्क्रीन आप अच्छे से लगाएं, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड से फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इस चैनल पर हम इस तरह के कंटेंट्स डालते रहते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू लुक प्रेटी, यू हैव टू नो हाउ टू लुक प्रेटी, एंड फॉर दैट वी आर हेयर। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।